गाइज इस वीडियो में बात करने वाले आज जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जहाँ पे भाई मेन इवेंट में रिडल ने कर दिया अटैक हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस पे। तो भाई क्या कुछ हुआ है शो में वो आपको बताने वाला हूँ। सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लो बिना स्किप किए। अगर आपने स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगर मेरे चैनल पर नया आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देता हूँ, शेयर कर देना, क्योंकि चैनल पर आपको WWE की न्यूज अपडेट देखने को मिलती रहती है। चलिए आज के मार्केट को स्टार्ट करते हो। गाइस आवाज थोड़ी ऊपर नीचे तो माफ करना। तो गाइस शो की शुरुआत हमें देखने को मिलती भाई आज के ब्रो के साथ। तो भाई रैंडी ऑर्टन यहाँ पे कह रहे होते हैं कि हमें पता है उसका हाथ में कुछ नहीं है, जो है भाई रोमन रेंस का हाथ में, इसलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। और भाई रोमन रेंस जो भी हमने आपको कहा था ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द ट्राइबल जो भी भाई बाहर आ जा और जो टैग टीम टाइटल यूनिफिकेशन का जो मैच है वो ऑफिशियल कर दे। लेकिन भाई रोमन रेंस तो बाहर नहीं आते, बाहर आ जाता सैमी जेन। अब यहाँ पे भाई सैमी जेन का कहना है कि मैं हूँ लोकल रूम लीडर, मैं जो है ना ट्राइबल चीफ के बिहा पे बोल रहा हूँ ब्लड लाइन के बिहा पे कि भाई यहाँ पे जो है टैग टीम टाइटल यूनिफिकेशन मैच करना है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ये मैच होगा तो तुम हार जाओगे। यहाँ पे जो मैं डिसीजन लेता हूँ तो भाई मैंने डिसीजन ले लिया है, ये मैच नहीं होने वाला है। तो यहाँ रैंडी ऑर्टन कहता है भाई अगर तुम डिसीजन लेते हो तो फिर ये एक डिसीजन ले लो कि तुम्हारा और रिडल का मैच होगा, और अगर हम जीते तो फिर हमें जो यूनिफिकेशन का मैच मिलेगा। यहाँ से भाई सैमी जेन भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, मैच तो उन्होंने ऑफिशियल कर दिया था लिंक का, भाई आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। तो यहाँ से एडम पियर्स आते, मैच ऑफिशियल कर देते, मैच जो चालू हो जाता है। यहाँ पे रिडल हारने वाले तो थे नहीं, तो लास्ट में जो ब्रो डायरेक्ट लगा के भाई रिडल इस मैच को जीत चुके हैं और सैमी जेन यहाँ पे भाई मैच को हार चुके हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है भाई टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, साशा बैंक नेओमी वर्सेस शेना बेज़लर एंड नटालिया। और यहाँ पे भाई नटालिया के साफ शूटर को जो काउंटर कर देती है नेओमी और रोलअप के सहारे से, तो भाई मैच इन्होंने जीत लिया है और दे आर स्टिल योर टैग टीम चैंपियंस। इसके बाद हमें देखने को मिलती है माई न्यू स्मैकडाउन वुमन चैंपियन राउडी रोंडा राउजी। और रोंडा राउजी कह रहे होते भाई मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ, ये तुम लोग देखना चाहते हो, इसलिए मैं जो यहाँ पे एक ओपन चैनल इशू कर रही हूँ। मेरे को लगा भाई बेली रिटर्न कर लेगी, लेकिन यहाँ पे भी आ जाती है रकेल रॉड्रिगेज। अब यहाँ पे भाई इनका मैच होता है, काफी कमाल का ये मैच था, लेकिन भाई लास्ट में जो रोलअप के सहारे से यहाँ पे जीत चुके, पता नहीं ऐसा रोलअप से क्यों जीता जाए स्मैकडाउन में लोगों को। यहाँ पे भी जो रोलअप के सहारे से रोंडा राउजी जीत चुकी है और विलास में स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए ये मैच जो खत्म हो चुका है। पॉसिबिलिटीज तो है कि क्या पता नेक्स्ट वीक जो बेली रिटर्न कर लो, चैलेंज कर दे हेल इन अ सेल के लिए रोंडा राउजी को। इसके बाद हमें शो पे देखने को मिलता है भाई मैट के मौत का सेगमेंट, केला बैकस्टोन का इंटरव्यू ले रही होती है कि भाई तुमने एपिक वाइबिंग के साथ जो भी किया वो क्यों किया था। यहाँ पे भाई मैट के मौत बोलते हैं वो आदमी के पास बहुत पैसा है, मुझे सब दिन दिखाता रहता है कि ये देखो मेरी गाड़ी इतनी महंगी, ये देखो मेरी घड़ी इतनी महंगी, मैं कपड़े इतने महंगे पहनता हूँ। तो ये चीज जो भाई उसको फ्रस्ट्रेट हो गए थे और इसलिए उन्होंने एपिक वाइबिंग का वो हाल किया जो कि करना चाहिए था, उन्होंने हरा दिया। यहाँ पे भाई केला बैकस्टोन का पूछना भाई आगे आपका क्या होने वाला, तो भाई मैट के मौत बोलते अभी अभी मेरा करियर चालू हुआ है, तो यहाँ पे भाई मैं सोचा हर एक चीज को एक्सपीरियंस करूँ, मैं साशा बैंक के साथ एक टैग टीम बनाऊँ, मिक्स टैग टीम जिसका नाम होगा मैट के बॉस। और फिर ज्यादा कुछ बोलते उससे पहले भाई हैप्पी कॉर्बिन आते और ब्रूटल अटैक करते, जी से बहुत ही ब्रूटल अटैक किया उन्होंने। यहाँ पे भाई हैप्पी कॉर्बिन ने भाई मैट के मॉस का चेहरा जो है दो चेयर के बीच में फंसा दिया, मतलब एक चेयर के बीच में फंसा दिया था। और फिर जो आंद्रे जैन की जो ट्रॉफी है ना भाई उससे यहाँ पे जो है कोई अटैक किया है, और फिर जब ऑफिशियल आ जाते हैं बचा के ले जाते, पर अटैक तो हो ही गया था। यहाँ पे भाई बैक स्टेज में सैमी जेन और सिंस के नाकामुरा भी देखने को मिलता है, और सिंस के नाकामुरा भी यहाँ पे जो सैमी जेन की बेइज्जती कर रहे होते हैं। एक्जैक्टली उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं पता, कि लाइटें चली गई थी। और एक और बैक स्टेज में सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि देखने को मिलता है भाई सैमी जेन और पॉल हेमन के बीच में। सैमी जेन कह रहे होते भाई जो मैंने आज का उससे जो मैं ट्राइबल चीफ वो नाराज तो नहीं हो गया, तो पॉल हेमन कहता है योर ट्राइबल चीफ अप्रिशिएट्स यू, वो भी नाराज नहीं हुआ, वो तुमसे खुश है। और यहाँ पे हमें एक और बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है भाई, मैं तो सारे बैक स्टेज सेगमेंट एक साथ ही बता रहा हूँ, जहाँ पे अलिया और जाया ली जो है ना वो सॉरी ब्लैक कार्ड जो है ना वो लड़ रही होती है कि भाई हमारा मौका था रोंडा राउजी के सामने चैंपियनशिप का, लेकिन यहाँ पे जो रकेल गोंजाल्विस चली गई, तो भाई हमको मौका चाहिए चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है भाई ड्रू गुलाक वो रिकोशेट से बात कर रहे होते हैं, रिकोशेट कह रहे कि भाई तुम जो वॉल्टर को हरा सकते हो, तुम भाई अपने आप में बिलीव रखो। और ऐसे वो जो बैक स्टेज एरिया में चल रहे होते हैं तभी जो वॉल्टर आते हैं उनका टी शर्ट फाड़ देते हैं और एक चॉप लगाते हैं भाई खतरनाक वाली। कोफी किंगस्टन और बुज का भी मैच होता है जो कि भाई सेमस के साथ घूमते रहते हैं, और यहाँ पे भाई बुज जो है डिस्ट्रैक्शन के सहारे से जीत चुके हैं, डिस्ट्रैक्शन कर दिया था कोफी किंगस्टन को सेमस ने और जीजी हॉलैंड ने, और बुज जीत गए। और जीतने के बाद भी वो भागे जा रहे थे, लेकिन भाई थोड़ी देर बाद वो वापस भी आ जाते थे, ये कुछ हुआ है। बढ़ते हमारे शो के मेन इवेंट की तरफ, तो शो के मेन इवेंट में देखने को मिलते हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज मी करंट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज। पहले तो भाई कुछ बोलने से पहले यहाँ पे रोमन रेंज भाई एक्नॉलेज करवाते हैं अपने आपको उन क्राउड से, लेकिन क्राउड एक्नॉलेज तो करती है, लेकिन भाई काफी फीका सा क्राउड था मेन इवेंट में, मतलब पहले तो काफी अच्छा था, लेकिन मेन इवेंट जाते जाते भाई थोड़ा क्राउड शांत हो गया, तो वैसा एक्नॉलेज तो नहीं हुआ जैसा वो चाहते थे। लेकिन फिर वो यहाँ पे कहते हैं भाई जो मैं हर संडे को हराता जाता हूँ लोगों को, फिर जो नेक्स्ट फ्राइडे आता हूँ और कहता भाई व्हाट नेक्स्ट हूज नेक्स्ट भाई कौन आ रहा है मेरे सामने। लेकिन भाई इस बार मामला कुछ डिफरेंट है, पॉल हेमन कहते हैं भाई इस बार जो पुराने लोग वापस आए भाई वापस मैच मांग रहे टैग टीम टाइटल यूनिफिकेशन का, तो यहाँ पे वो जिमी उसो को माइक पकड़ाते हो, कहते भाई तुम जवाब दो, लेकिन जवाब कुछ देते उससे पहले भाई यहाँ पे आ जाते माय रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन कहते भाई जवाब आप छोड़ो, हमें पता भाई इन दोनों का मिला के एक ही दिमाग है और जो मेन दिमाग है वो तुम्हारा, तो तुम कहोगे वही ऑफिशियल होने वाला है, तो यहाँ पे भाई जो है ऑफिशियल कर दो मैच और स्लाइटली बता दूं भाई मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूँ। अब यहाँ पे जो उसको भाई ज्यादा देर रुकते नहीं है, मैच ऑफिशियल हो जाता है नेक्स्ट वीक के लिए। अब कहते भाई आज तो हो नहीं सकता, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए जो मैच ऑफिशियल हो चुका है भाई शो खत्म होने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे जो रिडल है वो भी खतरनाक से नहीं मारते हुए नजर आते भाई रोमन रेंज को, और लग रहा था जेन्युइन कि भाई रोमन रेंज को वो नहीं लगी है, तो भाई ऐसे जो है शो हमें ऑफ एयर जाता हुआ नजर आता है। तो वैसे ये कुछ हुआ आज के स्मैकडाउन भाई, आज के स्मैकडाउन आपको कैसे लगे आप मुझे बता सकते हो। बाकी वीडियो को इन्फॉर्मेशन थी, मैं मिलता हूँ।